और अभी खबर यह है कि ज़राए के मुताबिक चेयरमैन एफबीआर ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया है। चेयरमैन एफबीआर ने रिटायरमेंट कबल अज़ वक्त लेने के लिए मुरासला लिख दिया। मज़ीद तफ़सीलात इकराम होती बताएंगे। इकराम होती बताइएगा, मुरासले में क्या लिखा गया है और रिटायरमेंट की क्या वजूहत बताई गई है? जी, रिटायरमेंट की वजूहत ये है कि ग्रेड 21, 20 और 22 के कई अफसरान की तब्दीलियां की गईं, उनको उनके जो ओहदे थे उनसे सबकदोश कर दिया गया था। उसके अलावा उनको सजाएं भी दी गई थी। उससे एक जो चेयरमैन है उनके खिलाफ एक नफरत जो है वो बिल्ड हो गई और अफसरान ने भी काफ़ी कोशिशें की कि चेयरमैन ये न रहे। इसके अलावा जो बजट आया है इसमें भी इनको बहुत मुश्किलात हैं और जो ताजर तबका है उन्होंने भी डिमांड की है कि इनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। इस सिलसिले में जो है बहुत सारे मशवरे इन्होंने किए, खासतौर पर सरदार से जिन्होंने इनको मुतय्यन किया था इस ओहदे पर, और उसके बाद इन्होंने फैसला किया है अब कि इस नौकरी को छोड़ दिया जाए और वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने के लिए उन्होंने लिखा और उन्होंने ये बताया कि मैं इस ओहदे पर अब ज़्यादा सा काम नहीं कर सकता और मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। जी इकराम होती, आपका शुक्रिया।